किसी ने क्या खूब कहा है, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के भी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों का 4 जून दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, आज के दिन किन किन परिस्थितियों का निर्माण होगा एवं उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे, अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है, कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं इन 5 गुणों वाली स्त्रियों के पति होते हैं वे सौभाग्यशील। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी एक परिवार के 2 पहिए माने जाते हैं। कहते हैं कि दोनों के आपसी तालमेल से परिवार नाम की गाड़ी चलती है। किसी पत्नी का उसके पति के जीवन पर विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर पत्नी सौभाग्यशाली है तो पति का जीवन खुद ब खुद खुशहाल हो जाता है, लेकिन अवगुणों वाली पत्नी घर के साथ साथ पति के खुशहाल जीवन को भी नर्क बना देती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस पत्नी के पास ये 5 गुण हैं वह अपने पति के साथ हमेशा सौभाग्यशाली साबित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बताते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाली नीति शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जो धर्म के रास्ते पर चलते हुए जीवन को आगे बढ़ाती है, यानी जिस स्त्री की ईश्वर पर आस्था है उसके घर में हमेशा खुशहाली आती है, ऐसी स्त्री के पति के साथ भी खुशहाली बनी रहती है। दूसरा बताते हैं जिसकी इच्छाएं सीमित हो। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जिस स्त्री की सीमाएं सीमित होती है उसका पति सौभाग्यशाली होता है। कई बार महिलाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति गलत काम कर जाता है, ऐसे में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अगर स्त्री सीमित इच्छाओं संतोष रखने वाली हो तो उसका पति खुशहाल रहता है। तीसरा बताते हैं धैर्य रखने वाली। चाणक्य जी के अनुसार स्त्री जिसमें धैर्य होता है वह हर परिस्थिति का सामने करने में सक्षम रहती है, उसके पति का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। चौथा वे बताते हैं कि गुस्सा नहीं आने वाली, अर्थात आचार्य चाणक्य मानना है कि जिस पति को गुस्सा कम आता है उसके पति के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। पाँचवा बताती हैं मीठा बोलने वाली। चाणक्य जी कहते हैं जिस स्त्री की वाणी में मिठास नहीं होती वह अपने पति को मुश्किलों में डाल सकती है। अगर पत्नी की भाषा और बोली मीठी है तो उसके पति का जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसके अन्य भी चाणक्य जी बताते हैं कि विनम्रता और दया का भाव रखने वाली। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार दया और विनम्रता से युक्त स्त्री श्रेष्ठ होती है। इन गुणों को धारण करने वाली स्त्री समाज को दिशा प्रदान करती है। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता से पूर्ण होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री क्रोध पर विजय प्राप्त करती है और सभी के प्रति करुणा का भाव रखती है। अंतिम में बताते हैं जिस स्त्री का धन का संचय करती है यानी धन की बचत करती है वह सदैव अपने परिवार को बुरे वक्त में रक्षा करने वाली होती है। इसके विपरीत जो स्त्री आय से अधिक धन का व्यय करती है वह सदैव परेशानी उठाती है। चाणक्य जी के अनुसार विपत्ति के समय धन ही सच्चा मित्र है, इसलिए धन की बचत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक अवश्य कर देना। अब जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग क्या कहता है। तो दोस्तों आज 4 जून दिन शुक्रवार है, तिथि दशमी है, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, माह ज्येष्ठ है। दोस्तों आज सूर्योदय होगा 5:07 पर, सूर्य अस्त होगा 6:46 पर। आज का शुभ समय है 11:29 से 12:24 पर, और आज का शुभ समय है 7:50 से 8:45 पर। आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 2। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप इतनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। आज आपकी सेहत अच्छी है क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं, आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है वह अंदर से आप तक राहत देती है, आप सकारात्मकता से भरे हैं। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए अच्छा दिन रहेगा, सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे, आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताओं भी उनके सामने स्पष्ट कर दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोस्तों तथा एक जोड़ी के रूप में भी काफ़ी करीब आ जाएंगे। आज आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना होगा,
और उन पर पैनी नज़र रखनी होगी, क्योंकि यह छोटे छोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें कम हैं, पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि भविष्य में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। आपको कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आपकी आय बढ़ सके। कुंभ राशि वालों, आज आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। व्यावसायिक संदर्भ में महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। अगर आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आपकी कामयाबी में वृद्धि होगी, संपर्क स्थापित होंगे और आप कुछ प्रभावशाली लोगों से भी मिलेंगे। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई मामला लंबित है, आपके पक्ष में तय आ सकता है। परिवार में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे और उत्सव हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रेमी को कार्य में सफलता मिलेगी, जिसका परिवार के साथ जश्न मनाएंगे। लव पार्टनर के साथ रोमांटिक मुलाकातें भी होंगी। पार्टी, संगीत आदि का मूड बन सकता है। पार्टनर के साथ फ्लर्ट करेंगे। वैवाहिक दंपति बच्चों के साथ दिन गुजारेंगे। संतान में भी खुशी आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज़ की कुंभ राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। संतोषी माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। राधे कृष्णा।